हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है। मैं हूं आप सबका दोस्त अब्राहम। आज मैं लेकर के आया हूं एक नया वीडियो। आप देख सकते हैं ये विंडोज 7 है। सो फ्रेंड, आप कैसे विंडोज 7 फॉर्मेट कर सकते हैं और कैसे आप विंडोज 10 इंस्टॉल कर सकते हैं, तो मैं सारा प्रोसीजर आपको मैं दिखाने वाला हूं। जो अभी तक हमारे चैनल में नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले आपको आपके पास क्या होना चाहिए, एक पेन ड्राइव होना चाहिए जो बूटेबल होना चाहिए। ये पेन ड्राइव है, बूटेबल किया गया है, सो इसे मैंने डाल दिया है। तो आइए हम लोग स्टेप शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे रिस्टार्ट करते हैं। जैसे ये डेल के लैपटॉप आप रिस्टार्ट करते हैं या सट डाउन करके फिर से ऑन करते हैं, देन आपको दो ऑप्शन आते हैं। एक F2 प्रेस करने से आप बायस सेटअप में जा सकते हैं, F12 प्रेस करने से आप कहाँ जाएंगे, डायरेक्ट बूट मेनू में जाएंगे और इसे इस पेन ड्राइव के द्वारा आप बूट करके इस विंडोज 7 को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे रिस्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में जाते हैं। ये मैंने रिस्टार्ट कर दिया है। होने के बाद जैसे ही ऑन होगा, आप यहाँ F2 के द्वारा आप अपने पेन ड्राइव का सिलेक्शन कर सकते हैं, बट ऑलरेडी ये सिलेक्ट हो गया है, इसलिए मैं डायरेक्ट F12 के द्वारा बूट करूँगा। मैं अपने इस पेन ड्राइव को बूट ऑप्शन में जाइए, F12 आप प्रेस करके, जैसे आप F12 प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये वाली फॉर्मेट ओपन होगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये तोशिबा की पेन ड्राइव है, तो इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं तोशिबा करके आया। अगर आपने DVD ड्राइव कनेक्ट किया या फिर कोई पेन ड्राइव कनेक्ट किया तो यहाँ पे शो करेगा। तो आप यहाँ पे कीबोर्ड में एरो मार्क की मदद से, डाउन एरो मार्क की मदद से आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए। ये मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद में आप इंटर प्रेस कर दीजिए, ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो आप थोड़ी देर वेट करें, कुछ देर में आपके सामने ये वाली फॉर्मेट आ जाएगी विंडो, थोड़ा ब्लर हो। सो फ्रेंड, आप यहाँ पे सारे पार्टीशन आ गए, सारे हार्ड डिस्क के सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव करके। तो ये जो प्राइमरी पहला आएगा आपका सी ड्राइव होता है। तो इस तरह से आप बारीकी से सारे को आप क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम इसे डिलीट करते हैं, सी ड्राइव को आप देख सकते हैं। तो जैसे आप इसमें लाइएगा ड्राइव की जगह, ये ब्लू कलर का हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करना है, इसे इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए और डिलीट पे आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये फॉर्मेट आएगा, आप ओके कर दीजिए। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, ये हम इसे भी क्या करें, डिलीट करेंगे, देन ऑलरेडी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम इस पर क्लिक करिए, इसे आप डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट पे आप क्लिक करें, सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद में ये वाली विंडो सेटअप, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉलिंग
विंडोज़। ये कॉपी हो गए फाइल्स, अभी ये इंस्टॉलेशन रेडी हो रहा है। यहाँ पे पूरे 0 से लेकर के पूरे 1-2 करके यहाँ पे पूरे 100 तक आएंगे, फिर इसके फीचर्स इंस्टॉल होंगे, इंस्टॉल अपडेट, उसके बाद में फिनिशिंग। इस दौरान 1 से 2 बार आपका सिस्टम क्या होगा, रीस्टार्ट होगा। तो चलिए, इसमें थोड़ा वक्त लगता है तो थोड़ा पॉज करते हैं हम लोग वीडियो को। हो गए हैं। सो फ्रेंड, जो अभी तक हमारे चैनल में नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलने पाए। सो अभी हमारा इंस्टॉलेशन 95 हो गया है। ये कंप्लीट 100 हो गया। अभी इंस्टॉलेशन फीचर्स अभी हो रहे हैं, उसके बाद इंस्टॉलिंग अपडेट्स, फिर फिनिश होने के बाद में ये एक बार रिस्टार्ट होगा। ये कुछ सेकंड टाइम लेता है, कुछ मिनट। ये देखिए, विंडो नीड टू रिस्टार्ट टू कंटिन्यू। जी हाँ, रिस्टार्ट। कितने सेकंड में फिर से ये रिस्टार्ट होगा। रिस्टार्ट होने के बाद में ये नेक्स्ट उसका जो प्रोसेस है वो यहाँ पे अपीयर हो रहा है। ये कुछ टाइम लेता है तो आपको थोड़ी सी वेट करनी होगी, इंतज़ार करना होगा। सो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग सर्विस। अभी जो भी विंडो के सर्विसेज हैं वो अभी क्या हो रहा है, सेटअप हो रही है। तो ये कुछ देर समय लेता है, तो चलिए थोड़ा हम वीडियो को पॉज करते हैं। और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अपने दोस्तों के साथ। गेटिंग डिवाइस रेडी, अभी हमारी डिवाइस रेडी हो रही है। ये पूरे 100 तक जाएगा, अभी 8% है। सो फ्रेंड, हमारा सिस्टम अभी रेडी हो रहा है। ये कुछ इधर टाइम लेता है, तो चलिए तब तक हम वीडियो को पॉज करते हैं। गेटिंग रेडी होने के बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। एक बार ये रिस्टार्ट होगा, रिस्टार्ट हो गया है। ये कुछ देर टाइम लेगा। सो फ्रेंड, फाइनली वो कुछ देर टाइम लेने के बाद में आपके सामने इस तरह से फॉर्मेट आ जाएगा। जस्ट ए मोमेंट, ये कुछ देर टाइम लेगा, उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस की ओर हम जाएंगे। सो फ्रेंड, जो अभी तक हमारे चैनल में नए हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं इसी तरह टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो में डालता रहता हूँ। सो फ्रेंड, बने रहिए मेरे साथ। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट।
जस्ट अ मोमेंट, प्रोसेस खत्म होने के बाद में आपके सामने ये वाली फॉर्मेट आई है. A little sign in here, a touch of Wi-Fi there, and is set to the United States. Is that right? तो हमें next कर देना है. Your keyboard is set to US. Yes, US ही चाहिए. Yes कर दीजिए. Do you also type with another keyboard layout? हम अभी इसे skip कर देते हैं keyboard. इसे आप स्किप कर दीजिए, या तो आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो कनेक्ट कर दीजिए. जैसे आप नेटवर्क स्किप कीजिएगा तो आपके सामने ये वाली फॉर्मेट आ जाएगा. तो यहाँ पे आप क्या करें, अपने नाम दे सकते हैं सिस्टम को. चलिए मैं इसे अभी एडमिन दे देता हूँ. दिख नहीं रहा है, नेक्स्ट कर देता हूँ. आप नाम लिखने के बाद में इसे नेक्स्ट कर दीजिए. अगर आप चाहते हैं तो पासवर्ड डाल सकते हैं, पर ये क्लाइंट का है तो चलिए मैं इसे पासवर्ड नहीं डालता हूँ अभी. नो नीड पासवर्ड. ये कुछ सेकंड लेगा. Hey, look, that's me, Cortana. उसके बाद में यहाँ पे कुछ आपका, आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए. विंडोज कैन सेव योर स्पॉट इन ऐप. यस कर देता हूँ मैं इसे अभी. These are the settings Microsoft यहाँ recommends. पे आप देख सकते हैं यहाँ सारे सेटिंग हैं. इसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं जो आपको चाहिए. तो मुझे सब कुछ ओके है, एक्सेप्ट में आप क्लिक कर दीजिए. सो फ्रेंड, इस तरह फॉर्मेट आने के बाद में आप चाहे इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं इस तरह से, पर चलिए मैं इसे ऑन ही रखता हूँ. फिर एक्सेप्ट में आप क्लिक कर दीजिए. ये कुछ सेकंड लेगा टाइम. Almost done now. We just need to get a few more things polished up for you, and Windows will be all yours. ये कुछ सेटिंग कर रहे हैं तो अभी ये कुछ देर के बाद में ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएगा. ये कुछ टाइम लेगा हमारा. यहाँ कर रहा है दिस माइट टेक सेवरल मिनट, कुछ टाइम लेगा. तो चलिए तब तक हम वीडियो को पॉज करते हैं. सो फ्रेंड, जो अभी तक हमारे चैनल में नए हैं, जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को. लाइक, शेयर और कमेंट करें अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. ये प्रोसेस होने के बाद में ये एक बार स्टार्ट होगा. ये सारे ड्राइवर्स अभी इंस्टॉल हो रहे हैं. जैसे तभी आप देख सकते हैं ये बड़ा बड़ा था, अभी छोटा हो गया. ऑलमोस्ट हम फिनिश हो गए हैं. सो ये कंप्लीट होने के बाद में अभी हमारा विंडो 10 इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे ग्राफिक्स कार्ड, जो भी इसका डिस्प्ले अडाप्टर, वो सब इंस्टॉल हो गया अच्छे से. सो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे रिसाइकल बिन है, और माइक्रोसॉफ्ट इज रिसाइकल बिन और माइक्रोसॉफ्ट इज. तो अभी हमें क्या करना है, डेस्कटॉप आइकन लाना है. आप राइट क्लिक करें और नीचे डाउन में आप पर्सनलाइज पे आप क्लिक करें. पर्सनलाइज पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये वाली फॉर्मेट ओपन हो जाएगा. तो हमें क्या चाहिए, थीम चाहिए. तो आप थीम पे आप क्लिक करें. उसके बाद में यहाँ से माउस से आप डाउन में आए स्क्रॉल, तो यहाँ पे मिलेगा रिलेटेड सेटिंग के नीचे में डेस्कटॉप आइकॉन. तो आप इस पर क्लिक करें. तो हमें कंप्यूटर चाहिए, नेटवर्क भी ले लेता हूँ मैं. इससे भी टिक करके आप अप्लाई ओके कर दीजिए. सो फ्रेंड, अभी देख सकते हैं दिस पे से नेटवर्क रिसाइकल बिन कंट्रोल पैनल. तो ये सारे हमारा विंडो 10 इंस्टॉल हो गया. विंडोज 7 फॉर्मेट करके हमने अभी क्या किया है, विंडो 10 डाला. सो फ्रेंड, मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के द्वारा आपने सीखा कि कैसे इंस्टॉल करनी है विंडो 10 थ्रू पेन ड्राइव के द्वारा. सो उसके लिए आपके पास एक पेन ड्राइव होना चाहिए, उसे आप बूटेबल बनाएं. उससे रिलेटेड मैं वीडियो डाल चुका हूँ. सो फ्रेंड, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. और जो अभी तक नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएँ.
सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ आप सबका दोस्त अब्राहम।